ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮੋ ਵਧਾਇ, ਜਮੁਨਾ ਸਤਿ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਾਥੀਓ। ਵਾਹਿ ਸੁਭਾਨਉਤਾ ਟੀ ਵੀ ਪਰ ਆਪ ਸਭੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ USA ਸਾਥੀਓ, ਆਪ ਸਭੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਵਾਹਿ ਸੁਭਾਨਉਤਾ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੰਬਰ ਵਨ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚੇ ਲੋਕੋ ਕੋ ਸਾਥ ਮੇਂ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਕੇ ਸਾਥ ਮੇਂ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਹਮ ਸਾਥ ਮੇਂ ਜੋੜਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਆਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਜਨੀ ਟੰਡਨ ਜੀ ਹੈ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਹੋਸਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਯ ਹੋਸਟ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਮਿਲਨ ਕੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਹਮਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਰਾਖੀ ਮੰਡਲ ਜੀ ਕੀ। ਤੋ ਆਓ ਦੋਨੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਤੇ ਆਪ ਸਭੀ ਕੋ। ਜੀ ਜੈ ਭੀਮ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਕੀ ਜੈਤੀ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਰਚਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨੋਂ ਮੇਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ। ਤੋ ਕੀਜੀਏ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਰਚਨਾ। ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਗੇ ਹਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਗੇ ਹਾਰੇ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਗੇ ਹਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਗੇ ਹਾਰੇ। ਧਨ ਹੋਏ ਹਮ ਬਾਬਾ ਜੋ ਤੁਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਪੇ ਪਧਾਰੇ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਗੇ ਹਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਗੇ ਹਾਰੇ। ਜਬ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਥੇ ਬਾਬਾ, ਜਾਨੇ ਹਮ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਭੇਦ ਭਾਵ ਕੀ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ, ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਰਹਾ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਤੇਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ੋ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਮਾਨਵਤਾ ਕਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ੋ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਕਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਪਾਣਾ ਹੋ ਸਮਾਨ ਤੁਮੇ ਦੋ, ਕਲਮ ਤੁਮੇ ਵੀ ਉਠਾਨਾ ਹੋਗਾ, ਸਿਕਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀਵਨ, ਜਨ ਜਨ ਕੋ ਬਤਾਨਾ ਹੋਗਾ। ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਗੇ ਹਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਗੇ ਹਾਰੇ। ਧਨਯ ਹੋਏ ਹਮ ਬਾਬਾ ਜੋ ਤੁਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਪੇ ਪਧਾਰੇ, ਜਬ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਥੇ ਬਾਬਾ, ਜਾਨੇ ਹਮ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਥੇ, ਚਮਤਕਾਰੋਂ ਕੀ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੋਂ ਮੇਂ ਪੜੇ ਰਹਤੇ ਥੇ, ਤੇਰੀ ਸਿਕਸ਼ਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਮਨ ਮੇਂ ਗਿਆਨ ਕਾ ਦੀਪ ਜਲਾਇਆ, ਵਿਗਿਆਨ ਮੇਰੀ ਹੈ ਸੱਚਾਈ, ਯਹਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਕੋਈ, ਸਿਧਾਂਤੋਂ ਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਗੇ ਹਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਗੇ ਹਾਰੇ। ਧਨਯ ਹੋਏ ਹਮ ਬਾਬਾ ਜੋ ਤੁਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਪੇ ਪਧਾਰੇ, ਜਬ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਥੇ ਬਾਬਾ, ਜਾਨੇ ਹਮ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਥੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਕੇ ਅੰਧੇਰੋਂ ਮੇਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਟਕਾ ਕਰਦੇ ਥੇ, ਤੇਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਆ ਹੋਤੀ ਹੈ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਆ ਹੋਤੀ ਹੈ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਾਇਆ। ਦੇਕਰ ਅਨਮੋਲ ਵੋਟ ਤੁਮ ਆਪਣਾ, ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ਾਸਕ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਧਿਕਾਰੋਂ ਕੋ ਪਹਿਚਾਨੋ ਆਪਣੀ ਕੋ, ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਤੁਮ
भी पहुंच सकते हो, तेरी सोच के आगे हारे, तेरे त्याग के आगे हारे, तेरी सोच के आगे हारे, तेरे त्याग के आगे हारे। धन्य हुए हम मामा जो तुम इस धरती पे पधारे, धन्य हुए हम मामा जो तुम इस धरती पे पधारे, जो तुम इस धरती पे पधारे, जो तुम इस धरती पे पधारे। जय भीम साथियों, धन्यवाद। हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 129वें जन्मदिन के अवसर पर छोटी सी पेशकश। वो मेरे बाबा साहब हैं जिनसे हमें अधिकार मिला, वो मेरे बाबा साहब हैं जिनसे हमें अधिकार मिला, वो मेरे बाबा साहब हैं जिनसे इतना प्यार मिला, वो मेरे बाबा साहब हैं जो इतने महान हैं, वो मेरे बाबा साहब हैं जिनकी हम सभी संतान हैं, वो मेरे बाबा साहब हैं जिन्होंने सबको उनकी औकात दिखाई, वो मेरे बाबा साहब हैं जिन्होंने दलितों को उनकी इज्जत समझाई, वो मेरे बाबा साहब हैं जिनका ऐसा व्यक्तित्व है, वो मेरे बाबा साहब हैं जिनसे हम सबका अस्तित्व है, वो मेरे बाबा साहब हैं जिन्होंने हमें सम्मान दिलाया, वो मेरे बाबा साहब हैं जिन्होंने हमें जीना सिखलाया, वो मेरे बाबा साहब हैं सहे सारे अत्याचार जिन्होंने, वो मेरे बाबा साहब हैं सहे सारे अत्याचार जिन्होंने, वो मेरे बाबा साहब हैं जिनके बराबर कोई नहीं, वो मेरे बाबा साहब हैं जो औरतों के मसीहा बने, वो मेरे बाबा साहब हैं जो हर दिल में बसे, वो मेरे बाबा साहब हैं हम सब जिनके अनुयायी हैं, वो मेरे बाबा साहब हैं हम सब जिनके अनुयायी हैं, वो मेरे बाबा साहब हैं हम सब बनने चले जिनकी परछाई हैं, वो मेरे बाबा साहब हैं जिससे हमारा देश चलता है, वो हमारे बाबा साहब हैं जो हमारा देश चलाते हैं, वो मेरे बाबा साहब हैं जो सबके रगों में बसते हैं, वो मेरे बाबा साहब हैं जिन्होंने दलितों का परचम लहराया, वो मेरे बाबा साहब हैं जिन्होंने दलितों का परचम लहराया, वो मेरे बाबा साहब हैं जिन्होंने हमें सर उठाकर चलना सिखलाया, वो मेरे बाबा साहब हैं जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, वो मेरे बाबा साहब हैं जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, वो मेरे बाबा साहब हैं जिन्होंने नया हिंदुस्तान बनाया, वो मेरे बाबा साहब हैं। जय भीम, जय भारत। तो साथियों, आप सभी ने देखा इसमें कि जो रजनी टंडन जी हैं, ये आपने वीडियो देखा इनका कि जो बाबा साहब के बारे में मैंने बोला है कि बाबा साहब जो भी हैं वो बाबा साहब हैं, तो इनके एक मतलब शुरुआत है, ये बहुत अच्छी बात है। और जो उसमें राखी मंडल जी का आपने देखा वीडियो, दोनों ने इन्होंने महिलाओं ने तो ये जो चीज़ें मतलब इन्होंने गाई हैं और गा कर जो सुनाया, ये बहुत अच्छी तब्दीली है और बहुत अच्छी मतलब एक कहते हैं कि जो औरत अगर जागरूक हो जाए तो ये पूरा परिवार को निकाल सकती है, गुलामी से बाहर निकाल सकती है। तो हम रजनी टंडन जी को और राखी मंडल जी को सलूट करते हैं वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से पूरी तरह से मतलब ईमानदारी से आगे बढ़ेंगी, और कुछ ना कुछ हमें इस तरह के जो वीडियो हैं, जो पॉजिटिव वीडियो हैं, हमें भेजते रहेंगे बना बना कर, और हम इनका स्वागत करते हैं। तो मैं कहूँगा इसमें कि जैसे आप सभी ने देखा होगा कि जो इसमें चल रहा है सारा कुछ पूरे देश के अंदर, बहुत सारे ऐसे देखे होंगे आपने कि जय श्री राम बोलते हैं, कोई कोई किसी के बोलते हैं, कोई किसी का नाम बोलता है, लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। जब भी जय भीम का नारा बोला जाता है तो मनवादियों को बहुत तकलीफ होती है। तो क्या है भीम के नारे में और क्यों उनको तकलीफ़ होती है उससे, तो ऐसा भीम के नारे में क्या है? तो जय भीम ने जो है इनकी जो है मतलब पूरी सिस्टम को हिला कर रख दिया। तो मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ।
जय भीम वाले और जय मुनिवासी वाले एक दिन मानसिक गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे। करोड़ों जय बोलने वाले मानसिक गुलामी ही में फंस कर मर जाएंगे या मानसिक गुलामी में फंस कर ही जिनकी दवा बर्बाद कर देंगे। तो जय भीम वाले और जय मूल निवासी वाले एक दिन मानसिक गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे और बहुत सारे जय करने वाले तड़प तड़प कर घुट घुट के मर जाएंगे मानसिक गुलामी में, मानसिक गुलामी में घुट घुट के मर जाएंगे। तो हम दोनों इनको जो दोनों महिलाओं को वाइस ऑफ मानवता की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं इनका और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से प्यार से और बड़े सत्कार से गीत गाती रहेंगी और बाबा साहब के ऊपर जो भी मतलब सच्चाई के लिए काम कर रहे हैं तो हमारा पूरा इन्हें सहयोग रहेगा और हर एक वीडियो को हम दिखाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि जो महिलाएं अगर महिलाएं जब गुलामी से बाहर निकल गई तो महिलाएं चार पूरी मतलब पीढ़ियों को जैसे कि मतलब पति को, उसके जो भाई बहन है उनको और जो आने वाले बच्चे हैं उनको और जो आने वाली नस्ल है उसको भी आज़ाद कर देगी। मुझे उम्मीद है कि जो महिलाएं जागरूक होती हैं वो चार पीढ़ियों को सुधार कर देती हैं और जो महिला गुलाम होती हैं वो चार पीढ़ियों को गर्क कर देती है। तो मैं चाहूँगा कि भारत की महिलाएँ पूरी जागरूक हों और उम्मीद के साथ मैं ये समाप्त कर रहा हूँ वीडियो। और एक दिन ज़रूर आंदोलन होगा और मूल निवासी और जो आदिवासी हैं सभी के सभी आज़ादी सांस ले सकेंगे, ऐसा टाइम बहुत जल्दी आएगा। तो हम दोनों उनका राखी मंडल जी का और रजनी टंडन जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने वॉइस ऑफ मानवता के लिए वीडियो सेंड किया हमें, थैंक यू उनका सबका। और उम्मीद करते हैं अब वॉइस ऑफ डॉक्टर साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो सपने हैं उनको पूरा करके दिखाएंगे, थैंक यू सबका। और आप दोनों का भी थैंक यू शुक्रिया और वॉइस ऑफ मानवता साहब जुड़ रहे हैं या आपको अपने टीवी लाइक करें, थैंक यू सबका। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह सत श्री अकाल सलाम वालेकुम।